अस्सलाम भाई, दुख और अफसोस के साथ हम आपको बता रहे हैं इस वक्त जिस जगह पे हम मौजूद हैं, ये वो खूबसूरत पार्क है पाकिस्तान का, लाहौर का, जहां दो हफ्ता पहले, डेढ़ हफ्ता पहले खून की होली खेली गई। क्या लोग हैं, किन माओं ने उनको जन्म दिया, किस बात के वो टॉमी और हरामी बच्चे हैं जिन्होंने इस गुलशन को उजाड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन आज हमें इस कदर खुशी हो रही है कि वो बच्चे तो दुनिया से चले गए, वो पूरे वालदैन तो चले गए, वो पूरी माएं तो चली गई। सिस्कियां इन दीवारों से आपको महसूस हो रही होगी, लेकिन ये कमाल ग्रेट कौम है, ग्रेट कौम है, आज उससे ज्यादा रौनक है। आज इसी पार्क में फूल उसी तरह आंसू बहा रहे हैं बच्चे, वो बच्चे बूढ़े बड़े जवान यहाँ चहलकदमी कर रहे हैं, लेकिन आप महसूस कर रहे होंगे कि यहाँ के परिंदे भी इस वक्त जो है वो भी दुख से आंसू बहा रहे हैं। क्या बदबख्त दुश्मन है उसको ये मासूम बच्चे हंसते खेलते आए नहीं। हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान सलामत रहे, ये लोग सलामत रहें, ये बच्चे इस तरह हंसते खेलते रहे, ये माएं जो हैं, ये माएं उनको हाथ उठा उठा बच्चों और झोलियां उठा उठा के उन माओं के लिए जिन्होंने वो सूरमा पैदा किए उनके लिए दुआएं मांगती रहे। मैं अपने कैमरामैन यंग से गुजारिश करूंगा कि वो इस पार्क को दिखाए, इन बच्चों को दिखाए, इन माओं को दिखाए जिनके हौसले बुलंद हैं, इन बुजुर्गों को दिखाए, इन दरख्तों को दिखाए जिनके साथ, इन झूलों को दिखाए जिन पे आके हमारे मासूम बच्चे, हमारे मेहमान सांगड़ से आए हुए, पाकिस्तान के कोने कोने से आए हुए यहाँ खुशियां मनाने आए थे, और जिन बदबख्तों ने ये खुशियां छीन ली, हमारी दुआ है परवरदिगार उनकी नस्लें दबाव बर्बाद कर दे, ये पाकिस्तान सलामत रहे। पाकिस्तान का फ्लैग जो है इकवाम मुतहदा में तमाम दुनिया में बुलंद रहे, ये सर सब्ज हिलाली परचम दमकता रहे और उन बदबख्तों के घराने तबाह बर्बाद हो जाएं। मैं हैरान हूँ, हम सब हैरान हैं, वो कौन सी माएं हैं जिन्होंने जन्म तो एक इंसान को दिया जो बाद में दरिंदा बन गया, और उस दरिंदे ने ये भी ना सोचा कि उसके अपने भी बच्चे होंगे, उसके अपने भाई के बच्चे होंगे, लेकिन मुझे ऐसे लगता है जैसे वो इंसान का बच्चा ही नहीं, वो किसी बदबख्त जानवर से भी बदतर जानवर का बच्चा है। हमारे साथ रहिएगा, हम आपकी मुलाकात इन गलेर लोगों से करवाते हैं, इन गलेर पाकिस्तानियों से करवाते हैं, इन गलेर नौजवान बच्चों से करवाते हैं जिन्होंने, इनके अंदर तो किचियां टूटी हुई हैं, लेकिन आज ये मैसेज दे रहे हैं, आज ये पैगाम दे रहे हैं उन बदबख्त बदमाश टेररिस्ट दहशत गर्दों को कि आओ देख लो, हम उसी पार्क में फिर खुश व खुर्रम फिर रहे हैं, हम अपने जाने वाले शहीदों के लिए यहाँ उनकी रूहों को सवाब पहुंचाने के लिए, वो शहीद तो मरता ही नहीं, शहीद तो का हयात जिंदा है, उन्होंने जिंदा रहना है और दहशत गर्दों हमारी नस्लों ने नस्लों नाबूद हो जाना है। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे से वक्त के बाद, शुक्रिया, वेलकम बैक। नाजिर इस वक्त हमारे साथ, आप जरा गौर फरमाइए कि ये क्या खूबसूरत पार्क है। मैंने अपनी जवानी के दिनों में इस पे गंद के ढेर देखे, लेकिन कमाल ये खूबसूरत पार्क बना, हमें एजाज हुआ कि हमने जाके दुनिया के तमाम खूबसूरत पार्क देखे, लेकिन मेरा ये पाकिस्तान का सोना पार्क, उसके सोने पार्क में जिन बदबख्तों ने लहू की नदियां बहाई वो जहरीलों पार और रुसवा हो जाएंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। आइए हम आपकी मुलाकात नौजवान बच्चों से करवाते हैं कि वो क्या कहते हैं। आइए सर, बच्चे तो मेरा ख्याल इतने सहमे हुए, आप बताइए कि आप तो नहीं घबराए हुए, माशाल्लाह ये मुल्क सलामत रहे, और क्या कहेंगे, क्या पैगाम देंगे उन बदबख्तों को जिन्होंने यहाँ खून की आपसे गुजारिश है, जरा जोर से बोले, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बच्चे लोग क्या कसूर है, बड़ों का क्या कसूर है, अगर उन्होंने लड़ना है, अगर वो बड़े दलेर हैं तो हमारे फौज से जाके लड़े, हमारे जवानों से लड़े जो उनके चीथड़े उड़ा देंगे, ये मासूम बच्चों के साथ लड़ते हैं। नाज़रीन ये एक हमारे बहुत ही मोहतरम बड़े धीमे अल्फाज में, चूंकि उनके अंदर एक गम की दास्तान रकम है, उन्होंने कहा कि बुजदिल यहाँ पार्क में आए, बुजदिल बॉर्डर पे जाएं, बुजदिल जाके जरा GHQ के सामने जाएं ताकि उनके पर्चे उड़ जाएं, और इंशाल्लाह अजीज उनके उनका मिशन जो है बर्बाद हो जाएगा, उनके आकाओं का मिशन बर्बाद हो जाएगा, और रा रा करने वाले इंशाल्लाह
नेस्त नाबूद हो जाएंगे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे से वक्त के बाद।